हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगमीत आज आपके लिए लेकर आए हैं ये 125 गज का डुप्लेक्स विला, डबल स्टोरी के हाउस रहने वाला है दोस्तों। सेक्टर 125 सनी इनक्लेव की लोकेशन है दोस्तों, केंद्रीय बिहार के नियर बाय की लोकेशन है। नियर बाय बड़ा पार्क रहने वाला है और सारी सराउंडिंग डेवलप रहने वाली, आप देख सकते हैं सारा ही एरिया। और 22.5 फिट का इसका फ्रंट है दोस्तों, ईस्ट फेसिंग हाउस है। 35 फिट का फ्रंट रोड रहने वाला है और ये मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं इस घर की। प्रॉपर हमको आयरन का गेट मिलने वाला है, दोनों पिलर्स पे भी प्रॉपर टाइलिंग की गई है। और आपका रैंप एरिया में और इंटरनल पार्किंग में सारा ही ग्रेनाइट लगा मिल रहा है दोस्तों। दो गाड़ियों की पार्किंग आपकी इंटरनल आ जाएगी घर के दोस्तों। ये पार्किंग एरिया में भी हमको प्रॉपर सीलिंग और फैंसी लाइट्स के मिलने वाली है। ये राइट साइड का पार्किंग एरिया आ जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको एक अंडरग्राउंड टैंक भी मिलने वाला है। सामने मोटर की और टैप की प्रोविज़न दी गई है दोस्तों। और सारा ही एलिवेशन में टाइल वर्क और ये प्रॉपर एक टेक्सचर पेंट किया गया है। ये सामने मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर एक 8 फुट की हाइट का एक वुडन डोर मिलने वाला है। साथ ही में जाली का डोर भी हम इसमें आपको लगा के देंगे दोस्तों। तो घर एंटर करते ही दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारा ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, जिसमें डाउन सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मिलने वाला है। सामने की वॉल पे वॉलपेपर और लैंप्स मिलने वाले हैं और एक बड़ा LED पैनल मिल रहा है इसमें। और सामने आप देख सकते हैं L टाइप में हमको एक बड़ी विंडो मिलने वाली है। वेंटिलेशन के लिए भी उसमें जाली की विंडो दी गई है। स्टेयर्स घर के अंदर से ही रहने वाली है दोस्तों। ये स्टेयर के नीचे भी एरिया में प्रॉपर टाइलिंग की गई है। सामने एक वॉश बेसिन वैनिटी के साथ मिल रहा है। और ये आ जाएगा इसका गेस्ट वॉशरूम, जिसमें प्रॉपर एक टाइल आपको रूफ एक टाइल्स मिलने वाली है। तो ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ही सामने हमारा आ जाएगा किचन एरिया, काफ़ी स्पेशियस और एक काफ़ी अच्छे साइज़ में किचन मिलने वाली है दोस्तों। ये सामने आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमको डबल हाइट कैबिनेट्स मिलने वाले हैं। और ये सामने फ्रिज रखने की प्रोविज़न आ जाएगी दोस्तों। और जितने भी कैबिनेट्स आप देख रहे हैं सारे ही इनोटेक सॉफ्ट क्लोजर में रहेंगे और काफ़ी अच्छी लाइटनिंग इसमें की गई है। और डबल साउंड प्रूफ सिंक आ जाएगी और साथ ही में ये आपका बैक साइड वेड़े में जाने के लिए रास्ता भी किचन से ही रहेगा दोस्तों, जिसमें आपका सारा ही ये वॉशिंग एरिया आ जाएगा, वरांडा एरिया, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ ये हमको इसमें दिया गया है। और रूम से भी इस एरिया को आने के लिए एंट्रेंस रहेगी, प्रॉपर टैप की प्रोविज़न दी गई है। सिलेंडर भी आपका बाहर इसी बेड़े में आएगा दोस्तों। तो ये था इसका किचन एरिया और बैक साइड का वरांडा। तो अब चलते हैं इसके पहले बेडरूम में दोस्तों। ये आ जाएगा इसका पहला बेडरूम, जिसका साइज़ रहने वाला है दोस्तों 14 फिट बाय 10.5 फिट का इसका रूम साइज़ रहने वाला है दोस्तों, जिसमें हमको एक बड़ा LED पैनल के सामने आप देख सकते हैं मिल रहा है दोस्तों। और प्रॉपर रूफ हाइट कपबोर्ड्स आ जाएंगे, स्लाइडर कपबोर्ड्स, और नीचे शू रैक भी दिया गया है। एक बड़ी विंडो आ जाएगी, साथ ही में आपका बैक साइड बेड़े में जाने के लिए रास्ता रहेगा। और ये अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको सारी ही सैनिटरी फिटिंग कंप्लीट मिलेगी दोस्तों। तो ये था इसका पहला बेडरूम। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स घर के अंदर से ही है, प्रॉपर आप स्टेयर्स एरिया पे देख सकते हैं हमको। ये फुट लाइटनिंग आप देख सकते हैं सारी ही लगाई गई है इसमें, प्रोफाइल लाइट। और स्टेयर्स में भी प्रॉपर डबल मोल्डिंग वाला पत्थर लगाया गया है और SS की रेलिंग इसमें आ जाएगी। और ये आ गए हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आप सामने देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर मिल रहा है। और ये हमारा मंदिर एरिया भी इसमें दिया गया है। और सामने ये लॉबी आ जाएगी, जिसमें आपको स्प्लिट AC की प्रोविज़न मिलने वाली है, डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और ये सामने आ जाएगा इसका सेकंड बेडरूम, इसका भी जो साइज़ रहेगा दोस्तों वो है 12.5 फिट बाय 10 फिट का रूम साइज़ है। प्रॉपर डाउन सीलिंग मिलने वाली है और रूफ हाइट कपबोर्ड्स इसमें मिल जाएंगे ड्रेसिंग के साथ। प्रॉपर स्लाइडर कपबोर्ड्स रहने वाले हैं आप देख सकते हैं इसमें। और ये बड़ी विंडो आ जाएगी, जिससे काफ़ी अच्छी डेलाइट रहती है। और साथ ही में आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ में रहने वाला है। प्रॉपर रूफ हाइट टाइल्स तक इसमें मिलने वाली है हमको। और ये आ जाएगी इसकी फ्रंट बालकनी, जाने के लिए इसमें डोर दिया गया है इसी रूम से। और ये आ जाएगी इसका सारा बालकनी एरिया, जो कि काफ़ी अच्छी वाइड 4 फुट वाइड रहने वाली है। ये सारा ही आप देख सकते हैं इसका बालकनी का एरिया। 125 गज का ये डुप्लेक्स हाउस है दोस्ततों, ईस्ट फेसिंग है। 3 BHK प्रॉपर ये रहने वाला है डबल स्टोरी में। ये आ जाएगा इसका थर्ड बेडरूम, प्रॉपर डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं इसमें मिलने वाली है। 14 फिट बाय 10.5 फिट का इसका साइज़ है। एक बड़ा LED पैनल आ जाएगा और रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स मिलने वाले हैं। तो एक काफ़ी अच्छे बजट रेंज में है दोस्तों। सेक्टर 125 की प्राइम लोकेशन में एक घर है दोस्तों, ईस्ट फेसिंग का, पार्क के पास, मार्केट के पास, और काफ़ी अच्छी
ये लोकेलिटी रहने वाली है। जो इसकी डिमांड है दोस्तों वो है 1,10,00,000 की डिमांड है। और इसकी विज़िट करने के लिए दोस्तों आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको ये घर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रॉपर्टीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।